ये देख रहा है ना पीछे, दिख रहा है पीछे, सबसे बड़ी मुसीबत है ये। जिस घर में हो उस घर में बहुत बड़ी मुसीबत है, और ख़ासकर मेरे घर में। ये देखिए, दिख रहा होगा, और दिखाता हूँ आपको, ये दिख रही है ना, बहुत बड़ी मुसीबत। इस जिस घर में हारस हाउस बॉय ना हो। अभी देखिए ये निकल गया है, अभी बोला है पाउडर लेके आओ, और इसके अंदर पाउडर आता है, पाउडर रखना पड़ता है खजूर में, जैसे एक पाउडर जैसा निकलता है एक दाने जैसा, तो ये दाने वाला है, पाउडर इसमें मिलाना पड़ेगा। तो अभी जाएंगे हम पाउडर लाने के लिए, देख रहे हैं 11 खजूर है घर में, और अभी जाएंगे पाउडर लाने के लिए, पाउडर लेकर आएंगे और उसके बाद में सब में रखेंगे। तो चलिए फिर चलते हैं, पहले चलते हैं, एक नया ड्राइवर आया है आने के लिए अकामा और लाइसेंस का अप्लाई करने के लिए, उसके बाद में जाएंगे पाउडर लाने के लिए। तो हर एक चीज़ दिखाऊंगा आपको, तो बने रहिए हमारे साथ दोस्तों। ये है गाड़ी की चाबी, और ये यहाँ इसमें लगता है, ठीक, लगने के बाद में ब्रेक दबा लिया कीजिए और देख लीजिए गाड़ी आपका पार्किंग में है ना। ऐसे तो पार्किंग के बगैर चाबी नहीं निकलती है, कई बार निकल भी जाती है कई गाड़ियों की। अब देखिए सुबह सुबह गाड़ी स्टार्ट करते समय 3-4 सेकंड के लिए स्विच ऑन कर दें, ताकि पेट्रोल इंजन तक पहुंच जाए। अब देखिए स्टार्ट करते, स्टार्ट किया, सारी लाइट गायब, ठीक है, गाड़ी मेरी गर्म है, अभी थोड़ी देर पहले के जा के आया मैं, और ये आप देख सकते हैं, और ये है म्यूजिक सिस्टम। तो चलिए गाइस फिर चलते हैं, ये पार्किंग में गाड़ी मेरी खड़ी है, अब मैं आर पे करूँगा रिवर्स में, क्योंकि गाड़ी मेरी गर्म है, ये मीटर दिखा रहा है, ये सी यानी कम, नॉर्मल सी से इधर ही रहना चाहिए, ठीक, एच यानी हाई, मतलब हाई टेम्परेचर गर्म हो जाता है फुल, ठीक है, और ये फुल, एफ यानी फुल, और ई यानी फ्यूल का बता रहा हूँ, ई यानी इमरजेंसी, ठीक है गाइज। तो चलिए, और ये है क्रूज कंट्रोल, यानी ऑटोमेटिक एक्सेलेटर काम करता है, बाद में दबाने की ज़रूरत नहीं है, कई गाड़ियों में काम करता है, कई में ऐसे ही बटन रहते हैं। और अगर स्पोर्ट्स में चलाना है, यानी थोड़ी हेवी में चलानी है, तो ये स्विच है, ये देखिए आपको दिख रही होगी, इको यानी नॉर्मल तेल खाएगी, और ये स्पोर्ट्स, इसमें तेल बहुत पिएगी पर गाड़ी एकदम फरारी की तरह चलेगी, हों भागेगी, ठीक है गाइज। ये अपना मिरर देख लेना है दोनों साइड का, ओके है, पीछे दिखाई दे रहा है, अपने पीछे की दरवाज़ा दिखना चाहिए इस मिरर में, ठीक है, दोनों साइड देखिए, उससे गाड़ी का पूरा नॉलेज, ये एकदम फिट होना चाहिए, ठीक है गाइज। देखिए गाइज आगे रास्ता है, थोड़ी मेन रास्ता आता है, मैं इधर है गली में, तो मुझे क्या बनता है, दोनों साइड देख के उसके बाद में मैं गाड़ी आगे लूँ। तो ये बात की कहीं भी ध्यान रखिए, दुनिया में कहीं भी हो इस चीज़ का खास ध्यान रखिए, क्योंकि जो सीधा आ रहा है ना उसको जाने दे, उसके बाद में आप उस पर चढ़ सकते हैं, क्योंकि पहले वो जाएगा, ये वो सीधा आ रहा है, आप रोड पर चढ़ रहे हैं, अब जैसे हम सीधा जा रहे हैं ना, अभी कोई गली से निकलेगा तो रुकेगा वो, अगर मैं उसको इजाज़त दूँ तो वो बाहर आ सकता है, नहीं तो वो रुकेगा, 100% रुकेगा, अगर उसे नहीं निकलने की जगह है तो। ये बात का हमेशा खास ध्यान रखें, ये नहीं कि वो आ रहा है तो वो रोकेगा हम निकले, ऐसा नहीं होता है, या वो ठोक देगा, गलती आपकी आएगी बाद में, क्योंकि आपने बाहर आया। मेरे यहीं पे एक्सीडेंट हुआ था, मैं सीधा जा रहा था, एक निकल के आया, मेरे को ठोक दिया ड्राइवर डोर में, फिर वो पैसा भरा, 30,000 रुपये लगे उसके, और उसकी लाइट भी टूट गई, उसकी लाइट की मान लीजिए कम से कम 75,000 की उसकी लाइट गई, और हमारा 30,000 भरा, समझ गए। तो ये बात का हमेशा खास ध्यान रखें, और कोशिश आप भी करें, ऐसा नहीं कि आप भी ठोक ही दें, आप भी कोशिश करें कि भाई बचा दे, अगर सीधा जा रहे हैं तो भी। और ये देखिए जैसे सीधा है तो सिग्नल आता है, अगर ये डिवाइडर वाली रोड है तो आपको राइट ही जाना है, लेफ्ट नहीं जाना है, रॉन्ग साइड आ जाएंगे, वहाँ पर बता देता है पहले ही, और ये पीली लाइन आ ही गई कि आगे काम चल रहा है, डेंजर रोड है, आप इतनी स्पीड में चला सकते हैं गाड़ी जितनी में आप कंट्रोल कर पाए, ठीक है। और हर एक रोड पर चढ़ने से पहले यू टर्न दिया रहता है मेन रोड पे, तो ये बात का हमेशा ध्यान रखें, हमेशा अगर आपको नहीं जाना है तो यू टर्न रहता है, यू टर्न मार सकते हैं, अगर यू टर्न ना मिले तो फिर राइट जाके 200 300 400 मीटर या 500 मीटर तक, जैसी रोड है उतनी दूरी रहती है, हाईवे है तो 1 किलोमीटर, और नहीं तो 500 मीटर 300 मीटर पर आपको मिल जाएगी वापस राइट में गली, तो फिर आप घुस के फिर वहीं आ सकते हैं,
जैसे कोलंबर की तरह। तो कोई खास बात नहीं है, अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो 1-2 किलोमीटर का फर्क पड़ता है, पर आदमी वापस फिर वहीं पे पहुंच जाता है। मिस्टेक थोड़ा सा होता है तो दोबारा वहां जा सकता है, मुश्किल नहीं है। ये देखिए 80 की स्पीड वाली रोड है, पर 60 दे रखा है गवर्नमेंट, क्योंकि रोड पर काम चल रहा है। और ये पीली बोर्ड है ना, पीली बोर्ड में समझिए कि वो काम चल रहा है इसीलिए, नहीं तो वो वाइट देता, वाइट पे रेड ब्लैक लिख देता, तो ये बात है, इसलिए ऐसे है सिस्टम। अब यहाँ गौर से देखिए साइड में, यहाँ पर आपको बोर्ड मिल रही होगी, खेतान जाना है सीधा जाइए, रोड नंबर दे रखा है। एयरपोर्ट जाना है तो आगे से लेफ्ट होइए, सिग्नल आएगा, और कुवैत सिटी राइट का बता रहा है। तो आपको कुवैत सिटी जाना है तो कोई सिग्नल नहीं लगेगी, आप सीधा निकल सकते हैं, क्योंकि सीधा रास्ता दे के रखता है उसको पहले से। हर जगह राइट का रास्ता है ना, करीब करीब वो सीधा दे देता है, क्योंकि उससे ट्रैफिक से कोई मतलब ना रहा है, ज़्यादा भीड़ ना लगे, आदमी सट सट निकले, समझ गए। तो अभी हम निकल रहे हैं वाहिया, वाहिया वो कामा लगाना है, एक ड्राइवर आया उसका, और नया ड्राइवर आया श्रीलंका से, और फिर हम निकलेंगे सुएक, वो बॉर्डर बताया ना, वो मुसीबत, उस मुसीबत के लिए, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ। अब हम चढ़ चुके हैं नेशनल हाईवे पर, आप देख सकते हैं, अगर मुझे कुवैत सिटी के पास जाना है तो देखिए हम राइट वाली बोर्ड है अलग निकली हुई है, मतलब एक रास्ता अलग है, जैसी बोर्ड अलग है तो रास्ता अलग है, एक साथ ही सब कुछ लिखा हुआ, तो एक ही रास्ते पर चाहे लाइन 2-3 हो, मुश्किल नहीं। अभी देखिए पीली पट्टी आते ही सब हट गया, पीली पट्टी पर कोई नहीं चल रहा, क्यों? क्योंकि वो इमरजेंसी के लिए, हम चल नहीं सकते, इस बात का खास ध्यान रखा जाता है। तो दोस्तों अभी हम मेन रोड पे हैं, इसलिए हमारी गाड़ी की स्पीड 120 है, और 120 चल रहा है अभी, अगर हमें 110 चल रहा है तो हम बीच वाली वे पे चल सकते हैं, रोड खाली है इसलिए हम 120 चल रहे हैं, ट्रैफिक रहती है, धीरे भी करना पड़ता है, समझ गए, इस बात का ध्यान रखना पड़ता है। सीधा जाना है, हमें राइट पर नहीं उतरना है, तो हम सीधी गाड़ी रख रहे हैं, क्योंकि हमें सीधा निकलना है, इसीलिए हम बीच में या फर्स्ट लाइन पे गाड़ी रख रखे हैं, हम स्पीड 120 निकल रहे हैं। वो देखिए जिसे एग्जिट होना है वो राइट में जा रहे हैं, देखिए, तो ये देख सकते हैं आप, जैसे ये हो गया, एक ये एग्जिट आ गई, एक रोड आ गई, उसके बाद में आएगी छोटी रोड, इसमें आप खाली राइट ही हो सकते हैं। ये 4 नंबर रोड पार किया है मैंने, कुर्तुबा जाने वाली। अब ये देखिए अदलिया जाने वाली छोटी रोड दे रखा है, समझ गए, ये छोटी रोड अदलिया, इधर से भी जा सकते हैं, आगे से भी जा सकते हैं। और ये यहाँ स्पीड कैमरा है, इसका खास ध्यान रखा जाता है, 13,000 रुपया चलान आएगा ये कैमरा का, तो इस चीज़ का ध्यान रखा जाए। वो अदलिया वाली है, बीच में जाने का रास्ता है, जैसे गांव में होता है ना, एक बीच गांव में पहुँचते हैं, एक साइड में पहुँचते हैं वैसे। अब ये साइड से जैसे ये रोड जाएगा, ये कैफान है, ऐसा जाएगा, यानी चारों साइड से कोना पे, वो बीच का रास्ता था, ये कोना का रास्ता था, और भी गांव है जो भी कैफान है, अवली है, वो जाने का। तो हम 3 नंबर के ऊपर है, 3 नंबर रोड 4 पार करके 3 आया, 5, 4, 3, अब चलेंगे 2 के पास। तो गाइस ये है 2 नंबर रोड, जिसको एग्जिट करना है वो एग्जिट कर सकता है, और जिसको सीधा जाना है वो सीधा जा सकता है। हमें जाना है जमैया, वहीं पे वो ई मित्र का काम होता है, रोजगार सेंटर बोलते हैं उसको, यानी जो काम करता है ना, फॉर्म भरता है, एक गवर्नमेंट का हर काम करता है, फॉर्म भरता है, उसी के पास। तो हम निकल रहे हैं, यह देखिए वो बड़ी रोड पार हुई है, अब बीच में आएगी छोटी रोड, जो मैंने बताया, जैसे हर रोड के बीच में एक छोटी रोड, फिर बड़ी रोड, एक छोटी रोड, एक बड़ी रोड, फिर 45 वाली स्पीड मिलेगी, और एक 80 वाली नहीं तो 120 वाली मिलेगी। तो अब देखिए ये पीली पट्टी है, ये चढ़ने या उतरने के लिए, सीधा नहीं जा पाता है, ठीक है। अब यहाँ पर इसलिए दे रखा पीली पट्टी के, यहाँ बस स्टॉप के बगल में, इसीलिए
फिर पीली पट्टी है। अब देखिए सबका बोर्ड अलग अलग है, सीधा जाने वाला सीधा जाएगा, बीच वाले बीच में, और जिसे राइट मोड़ना हमें राइट आना है तो हम राइट आ गए। हमारे बोर्ड पहले ही बता दिया कि राइट में ये जगह है, हम वहाँ जा रहे हैं। देखिए हम यहाँ पहुँच गए। अब ये देखिए यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, कौन इंटर करता है कौन निकलता है हर एक कैमरा में रिकॉर्ड होता है। ठीक है, जमैया हमेशा बीच में आता है ध्यान रखने का। एरिया है, घर है, कोई त्यू का बहुत बेहतरीन घर है, वीआईपी एरिया है। अब ये देखिए सामने जमैया है, पर हमें ये जमैया आने के लिए हमें इधर से नहीं घुस सकते कभी भी, ये यू टर्न है ध्यान रखने का, हमें आगे से यू टर्न मार के आना पड़ेगा जमैया के लिए। मतलब वो आगे से वो गाड़ी देखिए घूम के आ रही है ना, वहीं से हमें घूम के आना पड़ेगा जमैया। यानी अपने इधर कोई बड़ा मॉल होता है ना जहाँ पर हर एक चीज़ मिलती है, जो चाहिए खाने पीने की, पहनने ओढ़ने की, हर एक चीज़, वैसे ही यहाँ जमैया बोलते हैं। हर मंतका, मंतका यानी गांव, सिटी, शहर, जो मानिए एरिया, हर एरिया के अंदर आपको ये मिलेगी, कम से कम ना भी तो 1000 गाड़ियों की पार्किंग। और ये बड़ा एकदम है जैसे बड़ी बड़े जहाँ पर सरकारी राशन आते हैं ना, सब्जी मंडी बोलते हैं उसको, चाहे कोई ऐसा बोलते हैं, वही है ये मंडी बोलते हैं उसको। तो यहाँ पर हर एरिया में मंडी मिलेगी। अब ये देखिए रोड दी हुई है आराम से धीरे धीरे, और यहीं पे पुलिस स्टेशन भी मिलेगी, और पुलिस एनी टाइम आती जाती रहेगी। अब ये देखिए निकल गए तो हम रोक सकते हैं गाड़ी, ऐसा नहीं है कि हम वो उसको निकलने ना दे पहले जाने, ऐसा नहीं होता है, ये इंसानियत के बहुत ऊपर होती है। और ये देखिए जो सामान खरीदने आए हुए हैं सबकी गाड़ियाँ खड़ी है, और हमें भी काम है इसमें, और ये सामने जाना है। तो भाई देख सकते हैं टाइम दे रखा है, ये टाइम पे खुलता है बंद होता है, तो ये शीशा रहता है, इसको खोलने की कोशिश ना करें, ये बेमतलब ये चोरी का इल्ज़ाम लग सकता है। दोस्तों ये गलती तो बिल्कुल भी ना करें, ये गलती के ऊपर 13,000 रुपये का फाइन आएगा, और वो भी ऑफलाइन भरना पड़ेगा गवर्नमेंट के ऑफिस में जाके। तो सब गाइज दोस्तों इधर तो काम हुआ नहीं, अभी हम निकल रहे हैं इस एरिया से, और अभी हम जाएंगे सोएक, जहाँ पर वो मुसीबत का पाउडर, खजूर का पाउडर लाना है, समझ गए। अब ये देखिए दोस्तों ये बड़ा बड़ा घर है, खजूर है, इन सब में इतना ध्यान नहीं देते लोग, ये छोटे घर है नहीं, ये बड़े परेशान करते हैं ऐसे, इनमें करते भी है तो इनमें आदमी रहता है, वो आदमी करता है उसी काम के लिए, हाउस बॉय रखा जाता है घर में, वही करते हैं। ये छोटे घर में ये 2-3 खजूर लगा के रखते ना, हाउस बॉय ना हो तो आदमी परेशान हो जाता है, बस यही परेशानी है ज़्यादा। हर घर में कुछ ना कुछ परेशानी है, मतलब हाउस ड्राइवर में आना एक खुश नसीबी मानो, अगर किस्मत ठीक है ना तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, समझ गए। अगर घर अच्छा हो, किस्मत ठीक हो तो घर अच्छा मिल जाता है, और किस्मत भी क्या करे, ज़्यादातर फर्स्ट टाइम में घर खराब ही मिलता है, थोड़ा बहुत मतलब सोच के आओ कि खराब ही मिलेगा, 10% चांस रहता है कि घर ठीक ठाक मिलेगा, और दूसरी बार में है ना, दूसरी बार में 50% घर ठीक मिलता है, यानी चांस रहता है 50% की घर ठीक रहे। क्योंकि देखिए नया आदमी वो बुलाता है ज़्यादातर जिसके पास काम ज़्यादा हो, नहीं तो इमरजेंसी में बुलाता है वो, कि भाई यार बुलाना ज़रूरी है आदमी को, और आदमी नहीं मिल रहा पुराना तो नया बुला लेता है, समझ गए बात ये, नहीं तो सब पुराना ढूंढता है, नया कोई नहीं ढूंढता है। तो कोशिश यही कीजिए कि नया टाइम है ना, उम्मीद रखिए कि नया टाइम में घर खराब ही मिलता है, पर थोड़ा बहुत चांस रहता है, अगर सही मिल जाए तो बढ़िया है, समझ गए। अब ये देखिए अभी हम 2 नंबर पे, 2 नंबर से जाएंगे 50 नंबर पकड़ेंगे, 3 नंबर पे गाड़ियों का काम होता है सोएक में, 2 नंबर पे वही खाने पीने की चीज़ें और ये दी स्टेट हार्डवेयर यही सब रहता है, समझ गए, वो दोनों चीज़ है। तो देखिए अब ये जो कैमरा दिख रहा है ना, हाथी जैसा खड़ा है, बहुत तेज कैमरा है ये, बहुत जल्दी कैप्चर करता है, वीडियो ऑडियो दोनों बनाता है ये। पिन हो चुका है ये सिग्नल, अब चलते हैं 50 नंबर पर। ऊपर बोर्ड भी दिख गया होगा आपको, 50 नंबर का 2 लाइन दिया हुआ, 2 गाड़ी जा सकती है एक साथ। ये देखिए हम 50 नंबर रोड, एयरपोर्ट रोड पर
चढ़ा है। आप देखिए गाइस एक लाइन में चलने का लिमिट भी बता ही दिया। हम चढ़ रहे हैं 100 की स्पीड वाली रोड, ये नेशनल हाईवे है, आगे चल के 120 की स्पीड हो जाएगी। लोकेशन रहे ना रहे, घर में आना जाना पहुंच जाता है, और दूसरे एरिया में जाओ खाली रोड पर आने तक की लोकेशन की जरूरत है, वो भी जरूरत नहीं है। देखे तो रोड वाले अंदर वाले ज्यादा समझने में टाइम लगेगा, बाहर वाले तो जल्दी समझ जाएंगे। मेन मेन रोड गली की रोड समझने में टाइम लगेगा। 4 नंबर रोड, अब हमें 4 नंबर पर उतरना है, हम उतर गए। हमें जाना राइट, तो पहले ही से राइट हो जाएंगे, ठीक है जी। हमें राइट में उतरना है, और जिसको लेफ्ट जाना है पहले से लेफ्ट में बेचारे सिग्नल पे खड़े हैं। देखिए हमें राइट में जाना है, लीजिए हम उतर गए राइट में, हमें कोई ये नहीं है। अब यहाँ राइट में आए, यहाँ कर रहे ट्रैफिक का सामना थोड़ा बहुत, क्योंकि उस रोड पे जाने के लिए एक ही लाइन चाहिए, दो लाइन नहीं चलेगी, इसीलिए यहाँ ध्यान रखें एक ही लाइन की कोशिश करें, आगे से कूदने की कोशिश ना करें। देख रहे हैं एक साइड है जाम, दूसरी साइड है थोड़ी फ्री, और ये है 80 की लिमिट। चढ़ते ही आपको लिमिट बता दी जाएगी, वो लिमिट आपको बोर्ड दिख गई होगी कि ये लिमिट है भैया, देख लो 80 की। उससे ऊपर जाओगे ये खड़ा है यहाँ, ये देखो ये खड़ा है, ये 13,000 रुपया का मैसेज लेके पहुंच जाएगा तुरंत ही, महीने की आधी सैलरी गई बस, इसीलिए सादा खाओ सुखी रहो, ज्यादा तेज मत बनो। यहाँ कैमरा नहीं हुआ कहीं तो थोड़ा बहुत, ये भी हो गया 55। ये 4 नंबर से गाइस जाना है इधर स्वेग के तरफ, 50 नंबर से 4 नंबर पे चढ़ के और स्वेग के तरफ जाएंगे तो 60 नंबर रोड के नीचे यू टर्न है। यूटर्न मारते ही कोने पर है सुजुकी की कंपनी, मतलब सर्विस गाड़ी बेचता है, सब करता है। उसी के बगल में है ये गार्डन का सामान, फूल वगैरह ये सब कुछ बेचते हैं, तो यहाँ पर वो खजूर का पाउडर बेचने वाला मिलेगा। ये सब रोड पर ट्रैफिक भी होना जरूरी है। अब ये सुवेग जाता है गाइस, गाड़ियों का काम कराना है ना, तो इधर से भी काम होता है, मैकेनिक लाइन का काम ज़्यादा, इधर भी जा सकते हैं। अब हमें देखिए इस रोड पर जाकर नीचे उतरने का है, अब हमें नीचे उतर के और यू टर्न मारना है, ये भी लगता है यू टर्न के लिए खड़ा है। ये देखिए अब कोई आया बेचारा घुस गया, तो उसे साइड भी देना जरूरी है, इस बात का भी ध्यान रखें, ऐसा नहीं कि खाली खुद खुद के लिए एकदम आगे रहे। अब हमें मारना है यू टर्न, तो हम रहेंगे इस लाइन में, ठीक है, क्योंकि हमें इधर बस चलना ही है, यू टर्न मारना है। अरे ये क्या है, ये कुवैती भैया, अभी अगर ये हिंदी ड्राइवर होता कोई इसका गर्दन पकड़ लेता। और यहाँ एक चीज है, यहाँ एक खास बात है, यहाँ एक यहाँ की लेडीज तो वो भी कभी कभी दे देती है साइड, यहाँ के जो इंडियन ड्राइवर है, यहाँ जो ड्राइविंग करते हैं, पता नहीं अपने आप से हेलीकॉप्टर लेके घूमते हैं कि क्या, साइड ही नहीं देते, कितना भी कोशिश कर लो ऐसा मुंह दिखाते जैसे पता नहीं क्या हो गया, मतलब कितना को देखा साइड ही नहीं देते, पता नहीं क्या तकलीफ है। अभी देखिए ट्रक वाला को मारना यू टर्न, कितने आराम से धीरे 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 धीरे, अब इसको सीधा जाना था, ये जबरदस्ती इधर घुसा है। चश्मा लगा रखा है, मोबाइल चला रहा है, जाइए छोड़िए, हम माफ किए उसको। अब
अब ये देखिए, अब यहाँ पर गाड़ी उतारना है धीरे सी और मिरर में देख के। अब हमें चलना है राइट साइड, उतरना है, ठीक है। देखिए बहुत प्यार से राइट साइड उतर गए, क्योंकि आगे से रास्ता नहीं घुसने का, इसीलिए इधर से दे रखा है। और ये हमारे लेफ्ट में पूरा सुजुकी का और ट्रक वाले की गैरेज है। सुजुकी होती है ना, मारुति सुजुकी, उसका गैरेज है इधर, 4 नंबर और 60 नंबर के कोने पर है, स्वेक के पास। तो इस बात का ध्यान रखें, कभी सुजुकी की गाड़ी हो तो। और इस लाइन में 4 नंबर पीछे जाएंगे ना स्वेक के आगे तक, तो सब गाड़ी की कंपनी बड़ी छोटी अलगानी उनकी जितनी गाड़ी की है ना कंपनी है, सब गाड़ी की बड़ी बड़ी शोरूम और कंपनी उधर ही मिलेगी आपको, सर्विस सेंटर कंपनी की हर एक चीज़ उधर ही है, 4 नंबर और 3 नंबर के पास। 3 नंबर कम 4 नंबर पर नई गाड़ी की कंपनी है, बहुत है, बहुत ज़्यादा, कम से कम 25-30 गाड़ियों की कंपनी की सर्विस होती है। अब ये तो उसका यूटर्न है, हमारा यूटर्न आगे। और ये इधर गैरेज भी है, इधर गार्डन का सामान मिलता है, सीधा जाइए तो। अब ये देखिए, हम देख लीजिए चारों तरफ यूटर्न मार के फिर हम राइट घुस रहे हैं, खास ध्यान रखा जाता है। कहाँ जा रहा है अभी, अब ये देखिए, और हमें खरीदना है पाउडर। ये देख रहे होंगे साइड में बैठा है ईरानी मसरी, जो भी आदमी है ईरान का है मिस्र का है, ये लोग बेच रहे हैं। और हम इधर से ही एक देख के अच्छा सा एक पाउडर लेंगे और उसमें रखेंगे, तो देखते हैं गाइस क्या माहौल रहता है, क्या कैसे रहता है। तो चलिए फिर उतर के देखते हैं। ये भी हुआ है, बस ये यहाँ से ले लिया पाउडर, अब लेके निकलेंगे और जा रहे हैं घर। सर गाइस ले चुके हैं ये, और ये ऐसा हाथ पर चेक करना पड़ता है पाउडर आता है कि नहीं। ये एरिया है पूरा, इधर ही मिलता है ये सब, ये फूल का ये सब देख रहे ना, सब है, जो मर्जी जहाँ मर्जी ले सकता है, इधर भी है ये फुहारा वगैरह। लेकर अब निकल चुके हैं, उसे इजाज़त लिया कि हम निकले, हमने बोला जाओ, तो वो निकल गया आराम से, नहीं उसका राइट नहीं बनता निकलने का। तो ड्राइवर का हेल्प भी करना ज़रूरी है एक दूसरों का। अब हम गाड़ी देखकर आगे निकलेंगे, सीधा मुंह उठा कर नहीं चल देंगे, ठीक है। अब ये देखिए, इस बात का हमेशा ख्याल रखेंगे, अभी देखिए निकलने का है सीधा, ये नहीं कि सीधा हम उधर भाग जाएंगे, आराम से इस रोड पर चलिए धीरे धीरे, जैसे खूंटा कैसे ठोकते हैं, पचरी पचरी बोलते हैं ना, आगे से मुंह पतला और पीछे से चौड़ा रहता। देखिए निकल चुके, कुवैती का मैसेज आया, बोला लेने के लिए फोटो भेज दिया, बोला ये लिया, तो बोलता है कि ये बाबा की पोकर वाजिद यख, यानी वाजिद यानी ज्यादा, यानी है यानी कि पोकर वाजिद यानी पाउडर है ज़्यादा तो ले ले, यखद यानी ले ले, यखद यखद यानी लेना, ले लिया अब चलते हैं।
है कि कभी कोई बस है या कोई ट्रक है या कोई ये है, ट्रक तो नहीं चलता दिन में, रात में चलता ट्रक या शाम को, उसको ये आया उस बस है सवारी करके फिर वापस चला गया, क्योंकि इसलिए तो पैसा बढ़ाया हुआ रहता है, हर जगह मिलेंगे ऐसा, कई जगह नहीं मिलती तो कई जगह मिल जाता है। सिग्नल पे आया जैसे और सीधा जाना है, गलती से वो सिग्नल पर पहुंच गया, देखिए गौर से एग्जिट लिखा हुआ, फिर राइट हो जाइए और फिर आगे जाके फिर राइट हो जाइए, फिर उसी रोड पे वापस आप चढ़ जाएंगे, हर जगह ये भी रहता है, तो इस बात का भी खास ध्यान रखा गया है। और ये सब जान जाइएगा उसके बाद में कोई तरह की दिक्कत नहीं होगी, बहुत आराम से गाड़ी चलाइए, कोई तकलीफ नहीं, समझ गए। दोस्तों अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो पुराना ड्राइवर है इधर या कोई भी है कुवैत में, अगर वो बायोमेट्रिक स्कैनिंग उसको भस्मा बोलते हैं इधर अरबी में, अगर वो कोई नहीं कराया है तो जाके करा ले, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करे मोबाइल से, और अपना टाइम लो, जो टाइम मिलता है जैसे पासपोर्ट बनवाने जाते कैसा टाइम देता है वैसा टाइम देगा, और वो काम जरूरी है करा लीजिए, नहीं तो आगे चल के आपको दिक्कत दे सकता है। मैंने करा के आया था 4-5 महीने पहले, और पहले नॉर्मल था, अब ये हो गया कि गवर्नमेंट को बोल रहा जल्दी कराओ, गवर्नमेंट बोल रहा जल्दी से जल्दी कराओ, ठीक रहेगा। तो ठीक है दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं हमारी पार्किंग में, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।